सत्ता, जय जय गुरुदेव। सभी लोग माइक पर, सर्वजन बसून घ्या। हेलो, सभी लोग अपने स्थान पर बैठेंगे, कृपा करके सभी लोग अपने स्थान पर बैठेंगे। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज कल से इस ऐतिहासिक नगरी जो जैनों की काशी के रूप में मानी जाती है, ऐसे कारंजा नगरी में विराजमान हो गए हैं। आज का ये प्रवचन माला प्रारंभ करें पूजन और प्रवचन, उसके पहले आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करने के लिए यहाँ निमंत्रित करते हैं स्वर्गीय मिश्रीलाल जी जैन की धर्म पत्नी सुलोचना देवी जी के द्वारा। यहाँ आज के दिन शिरपुर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र में जो भव्य दिव्य सहस्कृत जिनालय हो रहा है, उसके लिए एक सहस्कृत चैत्यालय 3,51,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति आए। वे आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। सुलोचना देवी जी इनके द्वारा गोवा डिब्रूगढ़ आसाम निवासी, उसी के साथ डॉक्टर प्रवीण जी गोरे और डॉक्टर तृप्ति जी गोरे, इन्होंने भी सहस्कुट का एक चैत्यालय 3,51,000 रुपए की दान राशि या चेक के रूप में आज के दिन दिए। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। डॉक्टर प्रवीण जी गोरे, तृप्ति जी गोरे, सुलोचना देवी जी बरेला जबलपुर से, यहाँ डॉक्टर संदीप, सुधीर, शुभम, ईशान, संगीता, शुभांगी जैन बरेला एवं बाबई निवासी, उन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दिए। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। गौरव जैन, अतिशय जैन, गर्वी जैन, पुष्पा जैन, अंकी जैन, राजेश जैन बेंगलोर निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दिए। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। नवीन, सोनम, काला, डोरनांकल, तेलंगाना, इन्होंने भी सुवर्ण दान दिया है। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। प्रतिभा स्थली की दो छात्राएं 10वीं और 9वीं के हैं, उन्होंने भी गुवाहाटी रेवाड़ी से आए हैं। उन्होंने प्रतिभा स्थली के लिए 21,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी है। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। विनय जी छाबड़ा, वीर छाबड़ा, वैशाली नगर, भिलाई, इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दी है। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। भाई आपका हो गया होगा तो बाजू। हाँ, सभी यहाँ कारंजा, ऊपर चढ़ना नहीं, ऊपर नहीं आना कोई। हेलो, यहाँ कारंजा के सभी श्रावक श्राविकाओं की भावना है। आचार्य भगवान जी का शीतकालीन वाचना इस कारंजा नगरी में हो, ये भावना लेकर यहाँ तीनों मंदिर कमेटी के, हाँ उनको शास्त्र दे दो, शास्त्र उधर, शास्त्र दे दो, शास्त्र दे, तीनों मंदिर कमेटी के अध्यक्ष, तीनों मंदिर कमेटी के अध्यक्ष कुंकुबाई शाह श्राविक आश्रम, महावीर ब्रह्मचर्य आश्रम, इन सभी के ट्रस्टी यानी पूरे कारंजा के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ के कारंजा के विधायक राजेंद्र जी पाटनी भी आए। हाँ। वे भी सभी लोग यहाँ कारंजावासी आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके निवेदन करेंगे। आचार्य भगवान जी का सानिध्य यहाँ शीतकालीन वाचना के लिए इस कारंजा वासियों को मिले। आइए जल्दी जल्दी यासाठी आपण सर्वांनी उभं राहायचं। पुन्हा एकदा जय कर गुरुदेव, जय कर गुरुदेव। शिवकालीन वाचा करतो आपण, आचार्याशी आमंत्रित करतोय, जय कर गुरुदेव। हॅलो सभी कारंजा वासीय, यहाँ कारंजा के गुरुकुल के बच्चे भी प्रतिनिधि के रूप में आए हैं। सभी कारंजा वासी निवेदन रख रहे हैं। सभी लोग अब नीचे बैठेंगे।
पूजन प्रारंभ कर रहे सभी कविता जी, शाह, स्वाति मेहता ये भी आएंगे और शास्त्रदान करेंगे। कामरगांव से भी जैन समाज आई है, उनकी भी भावना है आचार्य भगवान जी का विहार कामरगांव के हो जाए। बामदेवी के लोग आज भी आए, उनके आचार्य भगवान जी के सानिध्य में पंचकल्याण करने की भावना है। वहीं से सभी लोग अपने अपने जगह से नमोस्तु आचार्य के चरणों में नमोस्तु प्रेषित करके अपने भाव रखेंगे। पूजन प्रारंभ कर रहे हैं, ए पूजन चालू कराओ, माइक देना। श्री विद्यासागर जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चरिया बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जय नागम का वासुदा कल जो बिखराते हैं गली गल, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र उत्तर सवष्टिति आह्वाननम् संसारिक विषयों में पड़क मैंने अपने को बरमाया, इस राग द्वेष की वो तरनी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जल कण से भव कलुष धोने आया, विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपयामिति क्रोधानल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया। चंदन सम शीतल तापान अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपयामिति स्वाहा। जड़ को मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत अक्षय पद मुझको मिल जावे, अब ज्ञान उनकी करुणा से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपयामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा भी मैं बना सभी से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस मन सुमन चढ़ाने आया, यह मदन विजेता बनन सब यह बाबर देने लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपयामिति स्वाहा। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भावों में कहता अति दक्ष अभक्ष तो के फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया, ने वैद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख बुकाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय क्षुधा रोग नाशनाय नैवेद्यम निरूपयामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल निज को नहीं मैंने पहचाना, मेरा द्वेष के लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित करके मुनि मेरा तन दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मन अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय मोहांधकार नाशनाय दीपम निरूपयामिति स्वाहा।
इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था बस पाप कर्म तो जो पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब फुदल, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए तह चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शुरुणे अचर्वकम विद्यासागर जी माम निंद्राय अष्टकरम दानाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगों की खुद को ही भोग बना डाला, साधु और साधक का अंत मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शुरुणे अचर्वकम विद्यासागर जी माम निंद्राय मां मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के हो बहु को पाकर मैं निज दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह ऋण भावना पाता। ओम रूम परम पूज्य संत शोमणि अचर्वकुण विद्यासागर जी माम निंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भाव की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया है, मेरा सारा दुख दर्द हर यह अर्घ्य भेटने लाया है। हे तपो मूर्ति हे आराध हे योगीश्वर हे महास हे करुण कामना देख सके युग युग तक आगामी। ओम रूम परम पूज्य संतोषर्मणि अचर्वकुण विद्यासागर जी माम निंद्राय अनर्घ्य प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। या आज के दिन आचार्य भगवान जी के चरणों में समस्त कारंजा वासियों की भावना, यहाँ के विधायक राजेंद्र जी पाटनी एक मिनट में अपनी भावना रखेंगे और उसके बाद आचार्य भगवान जी का प्रवचन होगा। गुरुदेव नमस्तु नमस्तु नमस्तु। शीतकालीन वाटना के लिए आप सबने कारंजा में वास्तव करना चाहिए, ऐसी पूरी कारंजा समाज की भावनाएं और आप उसको मान्य करोगे, ऐसी मैं सब समाज की ओर से विनंती करता हूं। और शिखर जी का जो विषय है उसके बारे में स्वयं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ख्याल दे रही है, नहीं दे रही है ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी मैटर इसमें चल रहा है मीडिया में उस ऐसी कोई भी बात नहीं है, इतना ही आपसे कहना चाहता हूं। फिर से आपने शीतकालीन वाचना के लिए रहना चाहिए, यहाँ पे आरा वास्तव करना चाहिए, इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूँ। ओम अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज जी, जय हो। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। व्यवहार में आप लोग दो तीन चीजों से पूर्णतः परिचित हैं, वो क्या है? पाषाणेषु यथा हेम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, ये तीन बातें हैं। पाषाण में स्वर्ण होता है और सुनार के माध्यम से ज्ञात कराने से उसको आप लोग खरीदते हैं, फिर उसका संशोधन आदि करके उस पाषाण से स्वर्ण को अलग किया जाता है और आपका विश्वास इसके ऊपर
पूर्ण होता है, तभी तो आपके गले में अनेक प्रकार के स्वर्णिम हार आदि पहने जाते हैं। इसी प्रकार खाने की अपेक्षा से दुग्ध मध्य यथाग्रसम, दूध में दूध तो प्रतिदिन आप सेवन करते हैं, किसी ने कहा इसमें एक बहुत दुग्ध सार नाम का, जिसको आप लोग घृत बोलते हैं मराठी में, तूप मनते आते हैं, हाँ तूप, तो वह भी आप विश्वास करके उस दूध को यथा योग्य पानी डाल करके उसको तपाते हैं और आगे की प्रक्रिया आपको ज्ञात है। दूध से सर्वप्रथम मोह को तोड़ना पड़ता है। यदि दूध का मोह रहेगा तो घी मिल नहीं का, और घी यदि चाहते हैं तो पहले दूध खोना ही पड़ेगा। दूध खोना पड़ेगा अर्थ खोआ नहीं बनाना, किंतु उसको विधिवत अपनी ओर ले आना। इसमें भी आप लोग तत्पर हो जाते हैं और उसका सेवन भी कर लेते हैं। दूध में घी का स्वाद नहीं आता, किंतु श्रद्धान करना पड़ता। मोक्ष मार्ग में श्रद्धान की बड़ी आवश्यकता होती है। हम धीरे धीरे इन तीन वस्तुओं के माध्यम से वह उस आत्म तत्व की ओर आपको ले आना चाहते हैं। तो इसके उपरांत तिल मध्ये यथा तैलम, तिल तो आप जानते हैं, तिल या गुड़ या गुड़ सर क्या बोलते हैं, गुड़ बदा मराठी में मध्य, तो वह तिल को बेलते हैं और उसमें से तेल निकालते हैं, अनेक प्रकार के व्यंजन बनाने में उससे स्वयं सहयोग ले लेते हैं। उस तिल को भी मिटाना पड़ता है, तब कहीं जा करके तेल उपलब्ध होता है। यह है शास्त्रकारों ने या कवि महोदय ने इनमें तीन चरणों को रख करके आप लोगों के ध्यान को, आप लोगों के ज्ञान को, आप लोगों के श्रद्धान को अब उस ओर ले जाते हैं। किस ओर ले जाते हैं, तो देह मध्ये तथा सेवा। ये तीन वस्तु अपने अपने चीजों में रहते थे, उनको से अलग करके आपने उपलब्ध कर लिया। अब आत्म तत्व कहाँ से उपलब्ध होगा, किसी दुकान में, किसी मकान में या अन्य किसी खदान में, जैसे स्वर्ण मिलता है, चांदी मिलती है, पीतल आदि सब मिलते हैं, धातु, किंतु आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, किंतु घुमाना है अपने चित्त को, उपयोग को अनेक पदार्थों से मुंह छोड़ करके। इस शरीर में आत्म तत्व है, शिव के रूप में है, लेकिन जिस प्रकार दूध में घी का स्वाद नहीं आता, जब तक दूध रहेगा, जब तक पाषाण खंड रहेगा, तब तक स्वर्ण का आपको बोध या दर्शन नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब तक आप देह को ही एकमात्र आपा मान करके, अथवा देह के माध्यम से ही सुख प्राप्त होता है यह यदि जानेंगे, तब तक
इस देह को आप मोक्ष मार्ग में लगा नहीं सकोगे। एक बहुत बड़ा अज्ञान का अंधकार है, उस अंधकार में योग्य अपने पदार्थ जो कहीं चला गया उसको ढूंढ नहीं सकते आप, उसके ऊपर सुद्धान नहीं ला सकते आप। देह मध्ये तथा शिवः ये कह करके श्लोक पूर्ण किया है। यह अध्यात्मनिष्ठ संस्कृत कार्य का है, यह आप लोग इससे परिचित तीनों से तो हो गए, लेकिन चौथा जो चरण है वह आप लोगों के पकड़ में नहीं आ रहा है। आप कुछ सुन तो रहे हैं इसलिए नाड़ हिला रहे हैं, किंतु उसको स्वीकार करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जो हम परिक्रमा लगा रहे हैं उन्हीं पंचेंद्र के विषयों के अलावा संसार में कुछ भी नहीं मिलेगा। इसमें रहते हुए कैसे उसको हाथ में लाना है, यही एकमात्र मोक्ष मार्ग माना जाता है। पूर्वजों ने इसको पाला है, यह प्रतीक है, जिनालय बने हुए हैं, दो तीन जिनालयों को कल एक साथ वंदना करके देखा, प्रत्येक सारे सारे जो अतिशय और भी उस देवालय के निर्माण करने में लगे हैं उसके बारे में ये कहा, ये है महाराज, ये है महाराज, ये है महाराज, सब कुछ उन्होंने दिखाया। लेकिन हमने सोचा यह वीतराग भगवान है महाराज, इनसे आप क्या काम ले रहे हो? यह जिनालय जो बन गया, जिन यदि है तो जिनालय है, नहीं ये तो वह एक बिल्डिंग के रूप में माना जाएगा, एक आलय के रूप में माना जाएगा, वह और किसी काम में नहीं आएगा। वहां पर जाकर ये देखते हैं कोई भी व्यक्ति वहां पर सोना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति आराम करना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति इधर उधर की चर्चा थोड़ी बहुत बात अलग है करना नहीं चाहता। सबका ध्यान का केंद्र श्री जी है, जिन है, शास्त्र है, गुरु है, इसके अलावा और जो कुछ भी वहां पर दिया गया वह एक केवल उस धन का उपयोग करके मोह को छोड़ने के लिए हमें उपदेश मिलता है। अब आप लोगों को जिस प्रकार यह चौथा चरण इस शरीर में शिव है तो कैसे मंथन कर ले, मंथन करने से नहीं मिलेगा और कुछ भी कीड़ा फाड़ी करने से भी नहीं मिलेगा। आज का विज्ञान चिकित्सा के अपेक्षा से, आणविक शक्तियों की खोज के अपेक्षा से बहुत दूर तक गया है, लेकिन उसको आत्म तत्व हाथ नहीं लगा, बाकी सब तत्व लग गए और उसी को पाने के लिए आप चिकित्सा के क्षेत्र में अथवा विज्ञान के क्षेत्र में अपने संतान को तो भेज देते हो, किंतु शरीर के मंथन करने से बेटा भगवान बनता है यह सुखाते नहीं। महाराज इसको आशीर्वाद दे दो, बेटा है होनहार है, होनहार है तो हमें दे दो। होनहार है तो विदेश को कम भेज रहे हो, नहीं हमारे काम में आएगा तो आप अपने पास रखो। यदि चीज है तो क्या करना उससे, केवल धन कमाने के लिए देश को छोड़ करके विदेश जा रहे हैं,
कोई विदेश की बात नहीं करना चाहता, सब लोग विदेश की बात, बस श्रीमान तो और बड़ा श्रीमान बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, किंतु देहातीत आत्म तत्व की खोज में किसी की दृष्टि नहीं है। उसको बनाना ही एक प्रकार से महत्व है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री भगवान का हम दर्शन करते हैं, स्मरण करते हैं, किंतु उसमें से कोई भी या बैठे हुए व्यक्तित्व नहीं आता। उससे पृथक, जैसे आपने दूध को छोड़ करके, गौण करके घी की ओर दृष्टि चली गई, उसी प्रकार देह और देह के योग जो पंच इंद्रिय विषय, इनसे ऊपर उठने से ही इनमें सुख नहीं, इनमें शांति नहीं, और यह लौकिक शांति एक प्रकार से हमारा स्वभाव नहीं, यह रात दिन जाप दिया जाता है, तब कहीं जा करके इसको मोक्ष मार्ग का दर्शन होता है, एक श्रद्धान के रूप में, एक अधिगम के रूप में, और एक मंथन त्याग के रूप में। महाराज क्या क्या करो, भीतर से आत्मा की बात करो, आत्मा की बात तो करना ही है, लेकिन आत्मा की जो दृष्टि अभी पंचेंद्र के विषयों में लगी हुई है, उसको थोड़े से कम करने से आंखों में पानी आ जाता है। हाँ, वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसको छोड़ने के लिए उसका मन कहता है कि स्वाद तो इसमें आ रहा है। नहीं, स्वाद इसमें नहीं आ रहा है, किंतु उसका सिद्धांत हुआ है, उसके कारण स्वाद मान लिया जाता है। और यह छोटे बच्चे से लेकर के वयोवृद्ध अवस्था तक ये सब कुछ धारा चल रही होती है। वह व्यक्ति संसार, शरीर, भोग और इनसे निर्विण्ण होता है, अलगाव भाव करने का वहाँ पुरुषार्थ करता है, उसके मन में हमेशा हमेशा इन चीज़ों के प्रति उदासीनता रहती है। उस उदासीनता की प्राप्ति के लिए विदेश जाने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु इसी भारत में रहने से यह तत्व उपलब्ध होने वाला है। अन्य किसी देश में आने के बाद नहीं, वहाँ पर तो केवल अर्थ के लिए ही होड़ लगी हुई है, दौड़ धूप चल रही है, दूसरे के वस्तु अपने अधीन कहीं कैसे होंगे इसमें लगा हुआ है। इसलिए आप लोग कर रहे हैं, इसमें कोई वादा नहीं, लेकिन वह एक मात्र ऊपर ऊपर करना ही है ऐसा नहीं, ये एक साधन है जिसके माध्यम से हम साध्य की सिद्धि कर सकते हैं। बच्चों को भी यही समझाओ, यदि आप लोगों ने इसको ठाना है, माना है, तो अवश्य ही उनके ऊपर भी यह संस्कार आप अवश्य डालते जाइए, क्योंकि पहले वह बालक अवस्था में, युवा अवस्था में, बाद में फिर प्रौढ़ अवस्था में वार्धक्य केवलम श्रम है, वृद्धावस्था में कुछ भी नहीं बनता, वह केवल जो खाया पिया है, संस्कार पाया है, इकट्ठा करके रखा है, क्या है, चमकीले कुछ कंकर पत्थर है, इसके अलावा और कुछ भी हो तो हमें बता देना। यही दिमाग में रहता है, एक बिल्डिंग हो गया, एक प्रासाद का निर्माण हो गया, दूसरे और बनाओ, कारंजा में ठीक नहीं लगता है,
अन्य कोई गांव चलो, वहाँ और चलो और चलो, यहाँ से चलो और यहाँ पर मंदिर वगैरह बने हैं और किस काम के आएंगे। पुणे वाले आते हैं, पुणे पुणे है, अरे कहते हैं वहाँ पर कहाँ ले जा रहे हो संघ को, नहीं सब कुछ व्यवस्था है, धर्म ज्ञान की व्यवस्था महानगरों में कैसे है बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी वो कर तो रहे हैं कुछ, इसी प्रकार की भावना उनके वहाँ पर रह करके भी दी होती है। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर जो आलय बने हैं जनालय वगैरह ये हजारों वर्ष पूर्व से ये कह रहे हैं, जिनबिंब की रचना भी बहुत प्राचीन गीता के साथ हुई है, यहाँ पर यह सब आराधना के केंद्र आप लोग प्रतिदिन उपयोग कर रहे हैं, किंतु फिर भी ये उपदेश आपके लिए देह मध्य तथा शिव है, इस शरीर में उस आत्म तत्व को मान करके शरीर के प्रति, शरीर के पोषक तत्वों के प्रति आपकी हे बुद्धि होना चाहिए और देव गुरु और शास्त्र के प्रति उपाधि भक्ति का विषय बना करके उसमें लगाना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की